विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत जो हमारा मंच है, वहाँ से पहले से ही निर्देश हमें प्राप्त है कि हर महीने जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनकी रिव्यू कमेटी की मीटिंग ली जावे, ताकि ऐसे व्यक्ति जो कि केवल संसाधनों की वजह से, एडवोकेट की वजह से और कानूनी जानकारी की वजह से ही जेल के अंदर हैं और वो अपनी जमानत नहीं करवा पा रहे हैं, और विशेष तौर से इस कोविड काल में उनके परिजनों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके परिवारजन भी उनकी खैर खबर नहीं ले पा रहे हैं, कोर्ट्स में भी लिमिटेड रूप से कार्य हो रहा है, और जेलों में जो कंजेस्टेड स्थिति बनी हुई है उसको असंकुचन करने के लिए, वहाँ पर कैदियों की संख्या कम करने के लिए विशेष रूप से डायरेक्शन दिए गए हैं कि वे बंदी जिनकी 7 साल तक के कारावास से दंडित हैं उनका अपराध और आधी सजा भुगत चुके हैं, वो कानूनी रूप से जमानत के हकदार हो चुके हैं, तथा अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित अपराध और जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले हैं उनमें अगर किसी व्यक्ति की जेल में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है तो उनको जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा माननीय रालसा के चेयरमैन जस्टिस लोडा जी ने भी अपनी अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की मीटिंग की है, उनमें उनका ये कहना है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनके साथ बच्चे हैं और जेल में हैं, ऐसी महिलाओं से उनके भावी पीढ़ी पर भी जेल में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अतः वह भी उनको भी जेल से निकाले जाने के प्रयास रिव्यू कमेटी के जरिए प्रस्ताव लेके किए जाएं। अब ये न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है कि हमारे द्वारा इन आधारों पर अभियुक्त गण द्वारा प्रोसीड करवाई गई प्रार्थना पत्र पर वो किस तरह से विचार करते हैं, बल्कि विधिक सेवा प्राधिकरण का ये प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे टाइम पर जबकि कैदियों की संख्या बढ़ी हुई है हिंदुस्तान में और केवल विधिक जानकारी के अभाव में, वकील के अभाव में, परिजनों से मिलने के अभाव में, साधनों के अभाव में न्याय से वंचित हो रहे हैं, उनको हम हर कदम सहायता करेंगे। ऐसा हमने करीबन 93 अभियुक्तगण की कल बेल एप्लीकेशन यहाँ से विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न कोर्टों में भिजवाई है। अब ये हर कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है कि वह उसके केस के मेरिट्स पर देखकर किसको वो जमानत के योग्य मानते हैं, किसको जमानत के योग्य नहीं मानते। हमारा मूलतः कार्य ये है कि केवल संसाधनों की वजह से, विधिक अवेयरनेस की वजह से और अपने परिजनों के मेल मिलाप की वजह से अगर वंचित हो रहे हैं तो हम उनको सहायता दे रहे हैं। ऐसे जो गंभीर अपराध हैं उनमें किसी भी तरह से जमानत का प्रयास विधिक सेवा प्राधिकरण या रिव्यू कमेटी के द्वारा उनका प्रस्ताव नहीं लिया गया है, केवल मात्र 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में। हाँ, ये विशेष है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जिनके बच्चे साथ हैं तो उनके लिए अवश्य हाई पावर कमेटी द्वारा निर्देशित किया गया कि इनके बारे में भी प्रयास किया।